जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने एक पॉइंट अगर चेक किया तो कभी इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कभी इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और कई बार इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं फ़र्क बताना चाहती हूँ। पहले पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जब भी कोई एलिमेंट अगर गैशियस स्टेट में हो, कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका गैशियस स्टेट में होना ज़रूरी है। अगर हम इसकी वैलेंस या आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, तो हमें इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि एनर्जी इसके अंदर जा रही है इसलिए इसे प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया गया। और जब इसे ये एनर्जी दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है मतलब ये आयोनाइज हो जाता है। और साथ में प्रोडक्ट के रूप में जहाँ हमें आयन्स मिल रही होती है साथ में इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है, तो ये कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जहाँ तक इसके दो अलग अलग नाम का सवाल है, जिसमें कभी हम वर्ड यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और कहीं इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाम के अलावा आपको इसकी यूनिट में ही फ़र्क होता है। इसकी जब वैल्यूज यूनिट हमें यहाँ किलो जूल और किलो कैलोरी मिलती है, वही हमें इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। इसे फ़र्क सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने का है। पहली बात, एंथैल्पी जो वर्ड होता है ये थर्मोडायनेमिक का एक टर्म है जिसमें अमाउंट हमेशा एक मोल होना चाहिए। तो अगर लिया गया सब्सटेंस जो है उसकी क्वांटिटी एक मोल है और हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे हम इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकें, तो यदि वो एनर्जी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है ड्यूरिंग हीटिंग, गर्म करके इस तरीके से, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यूनिट किलो जूल और किलो कैलोरी। और एक और तरीका होता है जिसका जिक्र एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें कांच की ट्यूब होती है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इस तरह की कुछ। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप वो सब्सटेंस डालते हैं जिससे आपको आयनाइज करना है, और बाहर के सर्किट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो इसे आयनाइज करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोवाइड एनर्जी जिसका सोर्स अब थर्मल नहीं रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चुका है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में आप सीख सकते हैं किस तरह इस वैल्यू में इंटर कन्वर्जन किया जाता है। और हम फिलहाल इसे अल्कली फैमिली के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर हम क्या कहेंगे, ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, और कौन कौन से फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है साइज। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं साइज के रिगार्डिंग, तो हम ये बात कर चुके हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो छोटी होती जाती है। इफ यू आर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइजेस डिक्रीजेस, और जिस एस ब्लॉक का हम जिक्र कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी स्टार्टिंग ही उसी से हो रही है, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं साइज छोटी होती जा रही है। मतलब ये जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं, अगर मैं बोलूं तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं इन अल्कली मेटल की साइज जो है वो सबसे ज़्यादा है। साइज सबसे ज़्यादा होने का बेनिफिट इस तरह मिलता है कि अगर साइज ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, डिस्टेंस बढ़ चुका है। और ये जो न्यूक्लियस है जिसे पॉजिटिव चार्ज ली प्रोटॉन है जिसे न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, और जिस कैपेसिटी से इसे अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर हो चुका है जिसके कारण ये न्यूक्लियस इसे प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और उस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, जिसे हमने कल वैलेंस शेल कहा था, जिसे हमने एन से रिप्रेजेंट कहा था, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस के साथ इसका जो अट्रैक्शन है उसे रिमूव करना पड़ेगा।
और उस अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए ही जो एनर्जी दी जा रही है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी देने का बेनिफिट सिर्फ तभी है यदि ये सब्सटेंस गैसीय स्टेट में, इस बात का ख्याल रखिएगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तभी लूज कर सकता है यदि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैसीय। तो गैसीय स्टेट में आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसे निकालने के लिए हमें पहले न्यूक्लियस के साथ जो उसका अट्रैक्शन है उसे रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और अल्कली मेटल में ये करना आसान है क्योंकि लेफ्ट साइड में होने के कारण इन एलिमेंट्स की साइज बहुत बड़ी है और साइज बड़ी होने से हमने कहा आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए हम आसानी से थोड़ी एनर्जी देकर भी इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक हो जरूरी नहीं निकाला जाए, एक से ज़्यादा भी निकाला जा सकता है। और इसे समझने के लिए मैं आपको लिथियम का एग्जांपल देती हूँ जिसमें हमने कल कहा था इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। और 3 एटॉमिक नंबर के साथ यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरें 1s2 2s1, ये हो गई वैलेंस शेल जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और इसके अंदर वाली शेल कहलाती है पेनल्टी मेट शेल जिसे n-1 से रिप्रेजेंट कहा जाता है। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आसानी से निकलने के पीछे दो वजह, एक तो मेटल के एटम का साइज बड़ा होना और दूसरा हम जानते हैं कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस के बराबर हो जाएगा जो कि एक इनर्ट गैस है, जो कि एक स्टेबल गैस है। तो यहाँ हमें दो रीजन समझ में आ रहे हैं लिथियम के आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के पीछे, एक तो इसकी साइज का बड़ा होना जो इसे बेनिफिट दे रहा है जिसके कारण इसको एनर्जी कम लग रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो एक हीलियम जैसी एक स्टेबल गैस का मिल रहा है। तो दो फायदे हैं इस एक फायदा है और एक रीजन से जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। मान लीजिए हमने सोडियम की बात की, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करें 1s2 2s2 2p6 3s1, अब लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी वैलेंस शेल और ये हो गई पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल में s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसे अगर ये लूज करेगा तो बनाएगा सोडियम प्लस 1 आयन, और क्योंकि इस साइज में इससे भी बड़ा है क्योंकि इसके पास सिर्फ जहाँ दो शेल होती है भरी हुई, इसके पास भरी हुई 3 शेल होती है और साइज शेल की एडिशन के साथ साइज बढ़ती है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6। और अब आप देखिए इसको लूज करते ही अब ये हो गई आउटरमोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यदि इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये भी एक इनर्ट गैस के बराबर हो गया, दैट इज नियॉन। इस वजह से हमने देखा ये आसानी से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इसलिए इन्हें कहा जाता है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का यूज हम करते हैं फोटोकेमिकल सेल में। फोटोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम करते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में फिजिक्स में भी और फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया जाता है कि कुछ मेटल सरफेस ऐसे होते हैं जिनमें यदि सनलाइट डाली जाए एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी की तो बदले में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यदि मूव कराया जाए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और उस करंट फ्लो को हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। और जिस सेल में ये मैकेनिज्म काम लिया जाता है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल सेल। आप ये बात समझते हैं कि मौसम सब एक जैसे नहीं रहते और मौसम चेंज होने के साथ सन एनर्जी की इंटेंसिटी भी लगातार चेंज होती है। जैसे गर्मियों के मौसम में जहाँ ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड के मौसम में बहुत कम होती है, उसी तरह बरसात के मौसम में भी इसमें कमी आ जाती है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि फोटोकेमिकल सेल में ऐसा मेटल यूज़ करें जो कम से कम एनर्जी में आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके जिससे मौसम के हिसाब से सेल की वर्किंग इफेक्ट ना हो। और अगर हम ये कह रहे हैं कि साइज मैटर्स, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो इस फैमिली मेंबर में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सबसे बड़ा मेटल जो है वो कौन सा है, सीजियम। और सीजियम के बड़े होने के कारण यह सबसे आसानी से अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है इवन इन लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इसकी वजह से इसे फोटो केमिकल सेल में यूज किया जाता है। सीजियम के अलावा याद रखिएगा
पोटेशियम का यूज भी यहाँ किया जाता है। पोटेशियम का जिक्र लास्ट लेक्चर में भी हुआ था जहाँ इसमें एनोमली लिखी थी हमने। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती है एग्जामिनेशन में, स्पेशली उस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और याद कीजिए मैंने कहा था डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, फिर एक एनोमली है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, साइज़ बड़ा है उसका, वही बड़ा साइज़ यहाँ भी इसको बेनिफिट दिला रहा है कि फोटोकेमिकल सेल में मेनली दो मेटल यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से, सीजियम और पोटेशियम।